हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। मैं आज आया हूँ हमारा पंचायत ऑफिस में। मैं जो काम करता हूँ, मेरा बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो जो मेरा काम है, मैं लुगेल जीपी में, मेरा जीपी में सेल्समैन के रूप में काम करता हूँ। आज हमारा साथ है मेरा भाई संतोष भाई, एक रिपोर्टर है। उनका एक खुद का होटल भी, होटल का मालिक है। आप अगर आएंगे तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। देखो और मेरा एक बंधु है, ये हमारा लैंप में नौकरी करता है डीओ के रूप में। और ये हमारा देखिए पंचायत ऑफिस लुगेल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा पंचायत ऑफिस है ये। मैं पंचायत ऑफिस में सेल्समैन काम करता हूँ। तो मैं परिचय करता हूँ, ये मेरा सरपंच जी है, सरपंच भाई। और ये हमारा जीआरएस भाई है। तो मेरा ऑफिस है ये, इधर मैं काम करता हूँ। ये मेरा सारे पीओ सर, पंचायत एग्जीक्यूटिव सर। हेलो दोस्तों, आज मेरा काम के बारे में बोला, मैं क्या काम करता हूँ, ऑफिस के बारे में आप लोगों को दिखाया पहले। तो कल मैं बताया था कि रेखा के बारे में मैं बताऊंगा। तो कौन सी रेखा कैसी काम करती है और हाथी में कितना रेखाएं होती है, अगर आपका शादी, पैसा, धन, पढ़ाई, जीवन के, आपका बीवी, स्त्री, संतान, कितना लड़का होगा या लड़की होगा, कितना उम्र में आपका एक्सीडेंट वगैरह होगा, ये सबको बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं बता रहा हूँ आपके लाइफ लाइन, जो जीवन रेखा के बारे में मैं बताऊंगा। ये होती है हमारा जिंदगी, लाइफ लाइन बोलते हैं इसको। आप कितने साल ये धरती पे रहेंगे, वो यही रेखा आपको दर्शाती है, आपका लाइफ लाइन बोलती है, जीवन रेखा बोलती है इसको। तो जीवन रेखा के ये होता है शुक्र पर्वत। शुक्र ग्रह की अगर कोई रेखाएं जीवन रेखा को पार करती है तो उसको बोलती है एक्सीडेंट रेखा। इस उम्र में उसका कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगा। तो क्या होती है, जो ये रेखा रहने के बावजूद भी उसको एक्सीडेंट होती है, लेकिन कम होती है। कैसे, उसका बाजू में एक गाइडलाइन रहता है। ऐसा अगर ऐसा कोई गाइडलाइन रहेगा, ये जीवन रेखा की जो राहु रेखा काटने से अगर ऐसा गाइडलाइन रहेगा तो उसका कुछ नहीं होगा। अगर ये लाइफ लाइन में ऐसे रेखा है काटती है, ये डान हथेली पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में भी ऐसा ही चिन्ह होती है, तो उसका एक्सीडेंट निश्चित होती है। इसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसका हल कैसे सुलझा जाएगा। तो ये लाइफ का लाइफ लाइन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, एक आदमी कितने कितने साल का जिंदगी है, उसका कितने साल में एक्सीडेंट होगा वगैरह होगा, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज रेखा विचार कर रहा हूँ। तो लाइफ लाइन सेकेंड में बताऊंगा, ये है आपका मस्तिष्क रेखा, जीवन का मस्तिष्क मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइन। ये जितना ही अच्छा है जिसके हथेली पे, उतना ही बुद्धिमान और तेज दिमाग, हर काम में वो सफल होती है, हर काम में वो सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट रेखा ये होता है आपका हार्ट लाइन, हृदय रेखा बोलती है इसको, हार्ट लाइन। अगर ये दोनों रेखाएं जिन लोगों का अच्छा होता है,
वो जीवन में कुछ कर सकती है। धन, पैसा, बीबी, हर चीज में वो सफलता अर्जन करती है। अब बताऊंगी भाग्य रेखा। जीवन में भाग्य रेखा अत्यंत जरूरी रेखा है, इसको फैट लाइन बोलती है। फैट लाइन जीवन का सबसे कीमती लाइन है। कैसे आप बताओगे? हमारा जिंदगी में पैसा धन अगर नहीं होगा तो जिंदगी की कीमत कैसी होती है, ये फैट लाइन ही बताती है, ये भाग्य रेखा ही बोलती है। तो अगर जिसके हथेली पे ये भाग्य रेखा नहीं होती है, उसका जिंदगी बहुत, मतलब बहुत खराबी से गुजरती है। तो ये भाग्य रेखा की विभिन्न प्रकार से होती है। जैसे देखिए, जिसका हथेली का भाग्य रेखा मणिबंध, इसको कहती है मणिबंध रेखा। ये मणिबंध रेखा से जो भाग्य रेखा उदय होती है, वो जन्म से पैसा वाला धनी आदमी होती है। उसका पैतृक संपत्ति हो, उसका माँ का बाप का संपत्ति से वो पैदा होती है, वो जिंदगी बाप का राज से चलती है उसका जिंदगी। अगर कुछ लाइन रेखा ऐसी होती है, हमारा लाइफ लाइन से उठती है, लाइफ लाइन पे उठ के वो शनि के स्थान जाती है, वो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से वो इनकम करती है, हर क्षेत्र में वो सफलता अर्जन करती है। अगर कुछ रेखा अगर कट के भाग्य रेखा अगर इस लाइन में ख़त्म हो जाती है, तो उसका जिंदगी के कुछ पल अच्छी होती है। जैसे इस रेखा की ओर अगर जाके बंद हो जाती है, तो लगभग 35 साल तक वो उसका जिंदगी अच्छी तरह से चलती है। उसके बाद उसका पैसा का प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, बहुत कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ती है। अगर ये फैट लाइन अगर उसके ऊपर से कट के फिर रुकती है, तो उसका कुछ दिन खराब से गुजर। अगर भाग्य रेखा कट करके फिर से हमारा ब्रेन लाइन के ऊपर से जाती है, तो कुछ साल दिक्कत के बाद उसका लाइफ फिर से भरपूर आनंद से गुजरती है। धन संपत्ति पैसा की कोई कमी नहीं होती है। अगर एक तरफ से डायरेक्ट शनि की क्षेत्र में जाती है, तो उसका जिंदगी भर कुछ पैसा का कमी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर चंद्रमा की क्षेत्र से अगर कोई भाग्य रेखा जाती है शनि के स्थान पर, तो उसका पितृधन, कोई ससुराल, कोई किसी की मदद से वो जिंदगी में बहुत कुछ करती है, दूसरे की मदद मिलती है। दोस्तों, आज इतना सा बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो कॉल डालूंगा। कॉल विवाह रेखा, मैरिज लाइन और सन लाइन के बारे में आपको बताऊंगी। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।